जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का डॉक्टर ओम चो यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, आभार है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, आप सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़ जाए, ताकि आपको हमेशा निःशुल्क ज्योतिष परामर्श के साथ साथ मोटिवेशनल वीडियो और ज्योतिष के बारे में वो सभी जानकारियाँ बहुत ही अच्छे से और साधारण तरीके से आपको मिलती है। चैनल से जुड़ें और जो भी आपकी राय हो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। उसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में, अफसोस मत करना। ये बात इसलिए करना चाहता हूँ कि हम कई बार ज़िंदगी में थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं, या ज़िंदगी में जो चीज़ हमें जो समय पर करनी चाहिए वो नहीं कर पाते हैं, किसी कारणवश, किसी के बहकावे में, या उस चीज़ का ज्ञान नहीं होने पर, या अन्य कोई भी कारण हो सकता है। अब उस चीज़ का अफसोस आज जो वर्तमान है उसमें हम करते हैं। तो पहली और शुरुआती समय में ही मैं आपको ये बात कह देना चाहता हूँ कि उस अफसोस का करने से आज की तारीख में कोई फ़ायदा नहीं है। अफसोस कभी भी ज़िंदगी में जो हो गया सो हो गया। अफसोस वो लोग करते हैं जो लोग अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाते, जो लोग लोगों के बहकाव में आ जाते हैं, और जो लोग अपने बुद्धि विवेक से विचार विमर्श नहीं करते हैं। ये तीनों चीज़ें आपको करनी होगी अगर आगामी भविष्य में आपको अफसोस से बचना है तो। दूसरी बात है, जब जो हो रहा है वो होने दीजिए। आपने समझाया, नहीं समझे, आपने कोशिश की, नहीं की, जो भी हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, ना आपकी इच्छा से हो रहा है, ना किसी और की इच्छा से हो रहा है, वो केवल ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। तो इस बात के ऊपर अपना हमेशा फोकस रहना चाहिए, आपका हमेशा ध्यान इस बात पर रहना चाहिए कि आप अपने वर्तमान पर फोकस करें। भूत जो बीत गया उस पर फोकस कभी मत करिएगा, उससे केवल अच्छी बातें सीखी जा सकती है, लेकिन उन बातों को अफसोस नहीं किया जाता। अगर आप अफसोस करेंगे, बार बार अफसोस करेंगे, तो कई बार तकलीफें, परेशानी आपकी पड़ जाएगी, और यहाँ तक भी होता है कई बार कि अफसोस और तकलीफें इतनी बढ़ जाती है कि व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आता है। जीवन में चाहे कोई से भी पल हो, चाहे अच्छे हो, बुरे हो, लेकिन अफसोस किसी बात का नहीं होना चाहिए। हमेशा ईश्वर का नाम लेते रहें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, श्री राम, जय जय राम का जाप करें, आपके जो भी इष्ट देवी देवता हैं उनका जाप करें, लेकिन ईश्वर का नाम आप कंटिन्यू लेते रहें। काम को दूसरी प्राथमिकता दें, पहले ईश्वर के नाम को प्राथमिकता दें। क्योंकि दोस्तों, एक सच आपसे मैं शेयर इस वीडियो के माध्यम से कर देना चाहता हूँ कि ईश्वर बहुत बड़ी सत्ता है, आपको बहुत कुछ देगा ईश्वर अगर आप उन पर यकीन करते हैं तो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल।